मेरी शादी हो चुकी है, उसने लड़की से कहा, अब मेरे जीवन में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, हम एक दूसरे के बगैर नहीं जी सकते, उसने अपनी आंखों के बहते आंसुओं के साथ कहा। उसने लड़की की ओर देखा, अपनी खूबसूरत दोस्त को निहारता रह गया। उसकी यह दोस्त उसके जीवन के हर पल उसके साथ रही है जब से उसे याद है। उसे भी नहीं पता था कि अपनी इस दोस्त से और क्या कहे और कैसे कहे। उसके लिए भी यह आसान नहीं था और यह दोनों के दिल को तोड़ देने वाली बात थी, पर यह करना बेहद जरूरी था। उसने हिम्मत की और कहा, तुम तो जानती हो हमारे रिश्ते को दुनिया में कोई समझ नहीं सकेगा। हमारा रिश्ता बेहद खास है, मैं तुम्हारे साथ बिताया हर पल जीवन भर याद रखूंगा। तुम्हें जब जब देखा, तुम्हारी एक एक मुस्कान, तुम्हारी नजरें, तुम्हें बढ़ते और खिलते हुए देखना मुझे कितना पसंद है। तुम तो जानती ही हो हम दोनों के बीच कुछ गलत नहीं है, पर यही सच है। क्या तुम यह समझती नहीं हो? अब हम नहीं मिल सकते। उसके शब्द लड़की के दिल पर मानो पत्थर की तरह पड़े, और उसके दिल को इतना दर्द कभी न हुआ था। वो तो बस इतना चाहती थी कोई उसके अस्तित्व को बस स्वीकार कर ले और अपने जीवन में सिर्फ कुछ पल ही सही, उसे मौका दे कि वो लड़की उस लड़के के साथ थोड़ी देर इस दुनिया को देख सके। वो ज्यादा कुछ नहीं चाहती थी, बस कभी वो लड़का उससे दो शब्द तारीफ के कह दे कि हाँ, वो बेहद खूबसूरत है और बेहद खास लड़की है। इतने सालों के रिश्ते में इतना तो उसका अधिकार था, वह भी तो खुश जीवन की अधिकारी थी। लड़की ने लड़के से कहा, मैं दिल से चाहती हूँ तुम हमेशा खुश रहो सच्ची, पर तुम्हें सच पता है। वह थोड़ी देर रुकी और वो लड़का उसकी ओर देखता रहा। लड़की ने कहा, तुम जिसे चाहे भुला सकते हो, पर उसे कैसे भुला सकते हो जो तुम्हारे दिल में रहती हो और तुम्हारी आत्मा में भी तुम्हारी सहभागी हो। वो जानता था कि वह लड़की सही कह रही है, उन दोनों की आत्मा एक ही थी, पर यह करना बेहद जरूरी था। उसने लड़की को आखिरी बार शीशे में देखा, उसके चेहरे को एक आखिरी बार प्यार से हाथ लगाया। अलविदा मेरे दोस्त, यह बोलकर उसने अपने होंठों पर लगी लिपस्टिक पोंछ डाली। एपिलॉग। वो लड़की आज भी अंधेरे में इंतजार करती है कि किसी दिन वह बाहर आकर यह दुनिया देख सकेगी और अपनी जिंदगी जी सकेगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.